पांडव सरोवर मंदिर का पवित्र इतिहास जो कि द्वापर युग दे नाल जुड़िया होया है। पांच पांडवों के सब तो बलशाली ते सब तो बलवान भरा पांडव भीम ने कही दे नाल ढाई टक लाए सी, जिथे पवित्र सरोवर बनाया गया। विदेशों तो भी श्रद्धालु इस मंदिर दे विच मत्था टेकन दे लई आउंदे ने। मंदिर दे पुजारी ने इतिहास बारे दसदियां ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਕੁਲ ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਕੁਲ ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਪਾਂਡਵ ਭੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਂਡਵ ਭੀਮ ਨੇ ਕਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਈ ਟੱਕ ਲਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੇ ਲਗਭਗ 5,500 ਵਰਸ਼ ਪੂਰਵ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਕੇ ਸਮੇਂ ਮੇ ਪਾਂਡਵੋਂ ਕੋ 12 ਵਰਸ਼ ਕਾ ਬਨਵਾਸ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਕਾ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਮਿਲਾ ਥਾ। अज्ञातवास उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किया, राजा विराट के सेवादार बनकर उन्होंने कार्य किया। इस स्थान पर नकुल और सहदेव चरवा का कार्य करते थे। यहाँ पे पानी की कमी थी तो नकुल और सहदेव ने अपने महाबली भीम भाई से बोला कि आप जो हैं इतने बलशाली हैं, जब हम यहाँ पे चरवा का कार्य करते हैं तो गाय पानी पीने के लिए दूर निकल जाती है, जिनको ढूंढने के लिए हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, आप यहाँ पर पानी निकालो। तो भगवान कृष्ण के भक्त थे, महाबली भीम ने भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान किया और इस स्थान पर ढाई टप मारे और ये पानी जमीन से ऊपर आया। जैसे जैसे उनका समय व्यतीत होने जा रहा था तो उनके मन में चिंता थी कि आगे क्या होने वाला है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर बुलाया, उनसे मंत्रणा की, यहाँ पर मीटिंग हुई राजा विराट भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों राजा विराट के सेवादारों के साथ में। यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि भगवान श्री कृष्ण जी को कौरवों के पास भेजा जाए और उनसे ये बात की जाए कि आप पांडवों को कुछ स्थान रहने के लिए दे दो। तो भगवान कृष्ण यहाँ से दूत बन करके कौरवों के पास गए। उन्होंने कौरवों से प्रार्थना की कि आप जो हैं 5 गाँव पांडवों को दे दो, लेकिन अज्ञानवश अभिमानवश उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण जी से कि सोच्यग्रम नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, हे केशव आप 5 गांव देने की बात कर रहे हैं, हम सुई की नौ के बराबर भी पांडवों को बिना युद्ध के जगह देने वाले नहीं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको काफ़ी समझाया, नहीं माने, पुनः भगवान यहाँ पर आए, पुनः उन्होंने यहाँ पर बैठक की और कहा कि बिना युद्ध के कौरव कुछ भी देने वाले नहीं हैं, इसलिए युद्ध करना पड़ेगा और जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ विजय विजय है। तो यहाँ पर विजय श्री का आशीर्वाद पांडवों को प्राप्त हुआ था, यहाँ से उन्होंने कुरुक्षेत्र में प्रस्थान किया और विजय श्री की प्राप्ति की। इस मंदिर में देश विदेश के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जिस कामना के लिए लोग यहाँ पर आते हैं भगवान की कृपा से उनकी समस्त कामनाएँ सफल होती हैं। यहाँ पर जब बाबा अमरनाथ जी की यात्रा होती है यहाँ पर सभी श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। आगे यहाँ पर लंगर हॉल में व्यवस्था भी है, खाने पीने के रहने की व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो हैं सभी लोग आते हैं और पूरे देश विदेश से समस्त इलाके से यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, भगवान उनकी समस्त कामनाएँ सफल करते हैं। तो इस स्थान का सबसे बड़ा महत्व ये है, भगवान श्री कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया है कि इस स्थान पर जो जिस कामना के लिए आएंगे और जो उनके मन की इच्छाएं होंगी वो सफल होंगी।